हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ ऋषिकेश में एक और जगह जिसका नाम है दोस्तों राम झूला। और दोस्तों मैं राम झूला आज आपको दिखाने जा रहा हूँ और पूरा हम लोग दोस्तों यहाँ पे राम झूला देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो दोस्तों ये है ऋषिकेश की एक और बहुत प्यारी जगह जिसका नाम है दोस्तों राम झूला। और दोस्तों जैसे हम यहाँ पे पहुंचे थे तो मेरे दोस्त ने सबसे पहले हमें ये जगह दिखाई जहाँ पे तीनों जगह थी दोस्तों, राम झूला, लक्ष्मण झूला और दोस्तों जानकी सेतु। तो बहुत ही बढ़िया जगह है दोस्तों। हम यहाँ पे आ गए थे और हम यहाँ पे दोस्तों अपनी बाइक की पार्किंग कर रहे थे क्योंकि बाइक की पार्किंग करके ही हमें जाना था, लेकिन जिस जगह हमने पार्किंग करी थी वहाँ से हमें फिर दूसरी जगह जाना था। तो दोस्तों मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों स्कूटी पे बैठे हुए थे और जो मेरे दोस्त का दोस्त था यानी कि पवन, तो हम पवन के पीछे पीछे भी जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों पवन की बाइक आगे आगे चल रही है और हम दोनों उसके पीछे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्रिज टाइप का है और यहाँ से ये पूरा रास्ता बना हुआ है राम सेतु तक जाने का। तो दोस्तों इतनी प्यारी जगह और मैं शूट करे बिना कैसे रह पाता, आपको तो पता ही है मुझे मतलब शौक है आपको हर चीज दिखाने का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी हम लोग इस ब्रिज से जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे काफी लोग हमारी तरफ आ भी रहे हैं। तो इस तरफ आ भी रहे हैं और जिधर से हम जा रहे हैं उधर से केवल और केवल शायद हम ही लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे दोस्त ने जो अनुज है वो पीछे बैठा है स्कूटी के और उसने पूरी दोस्तों ये मतलब वीडियो बनाई पूरे रास्ते की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और उसने दोस्तों कैमरा बहुत ही प्यारे मतलब बहुत ही आराम से पकड़ा हुआ था ताकि वो पूरे से मतलब व्यू को कैप्चर कर सके और आपको दिखा सके कि राम झूला जाने का जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में से जगह आपको कैसी दिखेगी। तो दोस्तों ये पूरी जगह है, लाइटिंग का दृश्य है क्योंकि मैं रात में ये वीडियो बनवा रहा था अपने दोस्त से। और दोस्तों रात का तो व्यू और प्यारा होता है, मतलब ऋषिकेश में अगर आपने सुबह ये दृश्य देखे हो और आप रात में ही ये दृश्य देखें तो दोस्तों बहुत ही आनंद आपको आएगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से है ना ब्रिज से हम बाहर आ चुके हैं और ब्रिज से बाहर होके ये सामने एक जगह है जहाँ से हमें अंदर जाना होगा दोस्तों। और अंदर हम सीधे सीधे चलते रहेंगे तो यहीं से दोस्तों शायद राइट में जो रास्ता है वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे हमें जाके दोस्तों सीधे हमें राम सेतु मिल जाएगा। राइट में नहीं, लेफ्ट में हमें होना है। तो लेफ्ट में हम जैसे ही हुए तो यहाँ पे हम जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हमने दोस्तों वहाँ पे अपनी बाइक की हमने पार्किंग करी और उसके बाद हम लोग दोस्तों पैदल चले गए। आगे आगे आप देख सकते हैं पवन चल रहा है दोस्तों ब्लैक जैकेट में और बहुत ही दोस्तों स्मार्ट और हैंडसम और डैशिंग लड़का है, मतलब बहुत ही मुझे अच्छा भी लगा और व्यवहार में उससे भी अच्छा है, जितना अच्छा उसकी पर्सनैलिटी है उससे अच्छा व्यवहार में है दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई है और दोस्तों पुलिस वाले भी है ना मतलब यहाँ पे बहुत मजे ले रहे थे, बहुत मतलब वो भी अपना आनंद कर रहे थे। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि तीर्थनगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब ये जो ऋषिकेश है ना दोस्तों इसको बेसिकली तीर्थनगरी बोला जाता है और ये हमारे भाई मजानंद जिसका नाम वैसे अनुज है लेकिन इसको प्यार से मजानंद बोलते हैं, तो ये आगे आगे चल रहा है। और ये देखिए पूरी लाइटिंग है दोस्तों, अभी हम जिस पे चल रहे हैं ना ये राम सेतु है और इस राम सेतु पे हम चल रहे हैं। तो ये शाम का जो दृश्य है उसके बारे में देखिए दोस्तों पवन भी हमें बता रहा है कि यहाँ पे लाइटिंग भी कितनी प्यारी लग रही है, वो एक एक चीज मतलब हमें बता के चल रहा है, मतलब एक तरीके से ना हमारे साथ गाइड की तरह था कि मतलब वो हमें सब चीजें बता रहा है, सब चीजें दिखा रहा है, हर जगह की स्पेशलिटी बता रहा है कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, राम जो मतलब राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, हर जगह की वो स्पेशलिटी हमें बता के चल रहा था। तो दोस्तों वाकई में ऐसा भाई और ऐसा गाइड होना अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ी बात है और मुझे वाकई में दोस्तों बहुत आनंद आया अपने पवन भाई के साथ यहाँ पे घूम के। तो वाकई में दोस्तों बहुत ही बढ़िया जगह है ऋषिकेश, यहाँ पे जरूर आना चाहिए। थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ेंगे दोस्तों तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे क्राउड है दोस्तों, कितनी भीड़ है, मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे ये कोरोना जैसी स्थिति भी हो, मतलब ये जो वीडियो हमने अभी बनाई है 2022 के बिल्कुल शुरू में, यानी कि आप ये मानिए कि अभी 3-4 दिन पहले की ये शूट है। तो दोस्तों कोरोना की परिस्थिति में भी देखिए लोगों का मतलब उत्साह क्या है, मतलब बहुत ही बढ़िया उत्साह है। लेकिन वैसे मैं सभी लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा छोटी सी कि आप सेफ्टी अपनी जरूर रखें क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमेशा सैनिटाइजर और मास्क का जरूर यूज़ करें जैसा कि गवर्नमेंट भी अपनी गाइडलाइन में बताती है। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं अंधेरा है लेकिन व्यू कितना प्यारा है। और दोस्तों अगर यहाँ पर दिन का समय होता ना तो आपको यहाँ पर राफ्टिंग करते हुए लोग भी दिख जाते हैं। राफ्टिंग का मतलब होता है कि बेसिकली जो गंगा नदी है उसमें लोग बोट चलाते हैं यानी कि नाव चलाते हैं और उसमें मजे करते हैं, मतलब नाव में बैठ के उनको अलग ही आनंद आता है। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, शायद राम झूला में तो वो नहीं दिखेगा, शायद क्या वो नहीं दिखेगा क्योंकि रात का समय है, लेकिन हाँ सुबह के समय की जो मैं आपको लक्ष्मण झूला की वीडियो दिखाऊंगा उसमें मैं आपको जरूर राफ्टिंग की चीज़ें दिखाऊंगा। और ये देखिए इतना मतलब क्राउड है ना, मतलब इतने लोग यहाँ पे विजिटर आते हैं। उत्तराखंड तो वैसे ही अपने आप में मतलब एक इतनी फेमस जगह है, विजिटर प्लेस, कि मतलब यहाँ पे हर किसी को बहुत आनंद आता है। ये देखिए दोस्तों, और ये दोस्तों पीछे मेरा दोस्त
यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ना इतने मजे किए, मतलब ये अद्भुत है। मतलब जो मोमेंट होता है ना, कभी कभी हम आते हैं, मतलब मैं अपने भाई से मजे भी ले रहा था, मैं बोल रहा था और मजानंद भाई मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो मतलब हम पूरे मजे ले रहे थे। देखिए वो भी मुझे मजानंद बोल रहा था और मतलब हम इतने मजे कर रहे थे। ये मैं भी आ गया दोस्तों वीडियो में, और ये हमारे अनुज भाई हैं, मतलब बहुत हम लोग दोस्तों यहाँ पे आनंद कर रहे थे। और हमारे जो पवन भाई थे उनको ही मैंने बोला कि दोस्त आप भी वीडियो में आओ, क्योंकि आपके बिना ये सफ़र अधूरा है, और मतलब आप जैसा भाई होना और आप जैसा गाइड होना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों उसी की बदौलत हम लोग शायद इतनी जगह इतने कम समय में कवर कर पाए, मतलब मैं ये गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि इतनी कम जगह इतनी जल्दी कवर कर पाना दोस्तों मतलब असंभव ही था, क्योंकि जिस जगह से हम जा रहे थे वो रास्ता भी शायद हमें नहीं पता था। तो ये था हमारा राम झूला, और ऋषिकेश में ये काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो राम झूला भी हम कवर करके वापस आ रहे हैं, और बहुत ही मतलब बढ़िया लगा, मेरे घर के मतलब बहुत पास है, और काफ़ी टाइम बाद आने का मौका मिला, तो बहुत बढ़िया मतलब लोकेशन है, और यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए हर किसी को। तो यही है दोस्तों बस राम झूला। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी यह वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर पर्सन के पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे राम झूला को लेकर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।